कॉन्फ्रेंस आ और मानयोग सीएम साहब दी हदायतां ते स्पैशल कैंपेन जिहड़ा है वो करीब 5 जुलाई तो आपां चलाया सीगा ड्रग्स दे अगेंस्ट। सो पहलां तां मैं पूरे पिछले जिहड़ा टाइम आ 1 महीना करीब होने वाला है वो 1 महीने दीआं उपलब्धियां पंजाब पुलिस दीआं दसणियां चाहूंगा। सो पिछले 1 महीने दे विच जदों दा मानयोग सीएम साहब दी हदायतां ते स्पैशल कैंपेन चलाया वा तो 2205 जिहड़े ने ड्रग समगलर अरैसट किए आ जिदे च 1730 FIR दर्ज की और 2205 दे विच 260 जिहड़े ने वो वड्डे समगलर ने जिहड़े 145 कमर्शियल केसिस आपां दर्ज किए आ उहदे विच अरैसट किया इन्हां नूं 260 समगलर्स नूं और इस समय दौरान 49 लाख रुपया जिहड़ा ड्रग मनी जिहड़ी आ अलग अलग जिलों ने रिकवर की है और 147.5 किलो जिहड़ी आपां हैरोइन इफेक्टिव रिकवरी कराई सी गुजरात ते महाराष्ट्र दे विच उस तो अलावा पंजाब दे विचों 30 किलो हैरोइन इस टाइम दे विच 75 किलो ओपीएम 69 किलो गांजा 185 क्विंटल यानी कि 18,500 किलो पॉपी हस्क और 12.5 लाख जिहड़ियां ने टैबलेट्स वो इस पीरियड दे विच रिकवर कीतियां। ये जिहड़ा मानयोग सीएम साहब दीआं हदायतां ते ये जिहड़ी परफॉर्मेंस आ इहनूं हुण प्रॉपर इहदा एनालिसिस कीता जाएगा और उहनां दीआं हदायतां दे मुताबिक 3 जिहड़े ने टॉप मोस्ट जिन्हां ने सब तो वधिया परफॉर्म किया वह जल्दी जिले आइडेंटीफाई करके फिर उन्होंने रिवॉर्ड किया जाएगा और ये जिहड़ी मुहिम आ ये जिहड़ी महीना हो गया हुण सिमिलरली हर महीने एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करके और उन्होंने अचीवमेंट्स के हिसाब न जिलों नूं रिवॉर्ड किया जाएगा और जिहड़ी पिछले हफ्ते की जिहड़ी रिकवरी है जिहड़ी कि इहदे विच ही मैं जिहड़ी रिकवरी दसी इहदा ही पार्ट आ वो पिछले हफ्ते 453 जिहड़े समगलर आ अरैसट किए 329 FIR दर्ज कीतियां और 8.4 किलो हैरोइन 10 किलो ओपीएम और 21 क्विंटल पॉपी हस्क रिकवर की है पिछले हफ्ते और 10.46 लाख रुपया जड़ा है मतलब 10,46,000 जड़े ने रुपए वो रिकवर किए गए हैं ड्रग मनी के तौर के उत्ते। इस समय के दौरान जड़े पुलिस ऑफिशल्स ने जड़िया ब्लैक शीप जिन्होंने आप कहने जिन्हां ने माड़ा काम भी किया है उन्होंने 6 पुलिस ऑफिशियल्स से एक्शन लिया जिदे विच एक DSP है और एक इंस्पैक्टर आ जिहड़ा डिसमिस भी किया है और 2 ASI एक सब इंस्पैक्टर और एक हैड कॉन्सटेबल जिदे विच 4 नूं डिसमिस किया गया वा 1 नूं करिंडा जिहड़ा एडिशनल SHO सी ओह अरैसट होया है 1 DSP नूं अरैसट किया गया वा। सो जिहड़ी जीरो टॉलरेंस आ मानयोग सीएम साहब दी कि ड्रग्स दे अगेंस्ट एक्शन भी लेना है और जिहड़ा कोई गलत काम करदा है चाहे वह किसी भी लैवल का ऑफिशियल होवे उहदे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाऊगी। सो वह भी जिहड़ी मुहिम आ इहदे विच जारी है। एक होर मैं दसना चाहवांगा कि एक इंस्पैक्टर जिहड़ा परमिंदर बाजवा जिन्हों डिसमिस किया सीगा अज फिरोजपुर पुलिस ने उहदे घर भी रेड की सीगी और उहदे घरों 4 किलो और कुछ ग्राम नशीला पाउडर मिलिया वा और 3700 टैबलेट्स कैप्सूल्स मिले उहदे घरों उहदे ते अलग तो एक परचा दर्ज किया गया वा फिरोजपुर दे विच। सो वह तफतीश जिहड़ी आ वह जिला फिरोजपुर दे विच जारी आ ऑलरेडी इंस्पैक्टर डिसमिस्ड आ जिहड़े 4 उहदे च दोषी सीगे जिहड़ा पिछे केस होया सीगा उह चों 3 अरैसट हो गए सीगे और ये इंस्पैक्टर जिहड़ा है अजे अरैसट होण वाला रहिंदा वा और ऑलरेडी डिसमिस किया गया वा। सो अज इहदे प्राइवेट रेजिडेंस ते रेड करके उत्थों 4 किलो तो ज्यादा है पाउडर और टैबलेट्स जिहड़ियां मिलियां जिहदे संबंध च अलग तो FIR दर्ज कीती गई। इनटॉक्सीकेटिंग पाउडर आ वह फिर टैसटिंग जदों हुंदी आ उदों क्लीयर हो जाएगा कि की हैगा क्योंकि प्राइमरी तौर पर पहला आपां इह देखदे आ कि भी वह पाउडर इनटॉक्सीकेटिंग आ मतलब कोई नशीला पाउडर आ अजे अजे फरार आ भाल जारी आ जल्दी अरैसट हो जाएगा। तो जिहड़ी लास्ट वीक दी परफॉर्मेंस सीगी उहदे विच जिहड़े केसिस आपां दर्ज कीते आ 45 उहदे च मैक्सिमम मोगा जिले ने कीते आ 7 केसिस 4 केसिस लुधियाणा कमिश्नरेट ने और 4 मुक्तसर ने जिहड़े कमर्शियल क्वांटिटी दे केसिस आ
और जेडे मीडियम क्वानिटी के केसिज आ अमृतसर कमिश्नरेट दे विच 31, फिरोजपुर 14 और जलंधर कमिश्नरेट दे विच 12। स्मॉल क्वानिटी वाले शहीद भगत सिंह नगर दे विच 16, गुरदासपुर 4 और जलंधर कमिश्नरेट दे विच 5 केसिज दर्ज किए गए। सो ये जिहड़ा असी परफॉर्मेंस जिहड़ी एनालाइज की मैं गल कर रहा वा, वो पूरा जिले का किस तरह की रिकवरी है। सब तो वध वेटेज जिहड़ी दित्ती गई है कमर्शियल क्वानिटी नूं दित्ती गई है, क्योंकि कमर्शियल क्वानिटी दे विच सज़ा सब तो वध हुंदी है। दूसरे नंबर ते नंबर ऑफ एफ आई आर किन्नियां ने और की रिकवरी उहदे विच कीती गई है, और सब नाल नाल ये भी ध्यान रखा क्योंकि जिले का साइज की है। सो जिलों असी 3 अलग अलग ग्रुप्स दे विच डिवाइड करके जिदे विच थाणियां दी जिहड़ी संख्या उहदे हिसाब नाल कि 15 तो वध जिहड़े थाने आ, फिर 10 तो 15 थाने, फिर 10 तो घट थाने। सो उन्हां 3 ग्रुप्स दे विच, क्योंकि हर जदों आपां कोई किसी का दूसरे नाल कंपैरिजन करदे बहुत जरूरी है कि मापदंड जिहड़े आ उह वी बराबरता दे होण। सो उह 3 ग्रुप च डिवाइड करके फिर उन्हां दी परफॉर्मेंस रिव्यू करके फिर हर ग्रुप चो एक एक जिला टॉप ते कढ़ के 3 जिले जिहड़े टॉप ते निकलणगे उन्हां नूं फिर अवार्ड किया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट दे विच होर तुहाडा कोई क्वेश्चन होवे कोई स्पेसिफिक? बहुत ज्यादा मिल रहा जी, जिदा हुण मेरा नंबर जी काफी सर्कुलेट होया, ईवन मेरा परसनल जिहड़ा मोबाइल नंबर आ उहदे ते काफी फोन आउंदे आ, काफी इनफॉर्मेशन आउंदी आ और काफी उपलब्धियां भी हुंदियां उस विच। So, जी पुछो पुछो। ओ, देखो हर जिले दे विच जिहड़ियां स्पेशल ब्रांच हुंदी हर जिले दे विच जिहड़ी के कई बारी इनएक्टिव हुंदी है, पर अजकल उहनूं बहुत एक्टिवेट कीता गया स्पेशल ब्रांचेस नूं। हर जिले दी स्पेशल ब्रांच दा एक इंस्पेक्टर जां डीएसपी इंचार्ज है डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट। जिदा ज्यादातर जिले डीएसपी स्पैशल ब्रांच या एसीपी स्पैशल ब्रांच या जो वे जिले ने जिदा कमिश्नरेट आ उ एडीसीपी लैवल के अफसर भी लगाए गए। सो वो जी स्पैशल ब्रांच के ऑफिसर लगाए गए वह इंटरनल इंटैलीजेंस का काम करते हैं। सो उन्हों तो इनफॉर्मेशन बहुत सारी आँदी है, और बहुत सारिया जिदा मैं दसिया जी आह वाली जी इनफॉर्मेशन फिरोजपुर वाली सी ये भी पुलिस ने इंटरनली आपे लभ के आप ही उन्होंने उत्ते एक्शन लिया। सिमिलरली बाकी जिलों के भी ईवन मानयोग सीएम साहब और डीजी साहब दियां भी हदायतां हैं कि इन्हां नूं होर एक्टिवेट किया जाए। ये दोनों काम करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इनफॉर्मेशन भी, ड्रग्स की इनफॉर्मेशन भी, और जिहड़े साडे कोई पुलिस मुलाजम गलत काम च इनवॉल्व है किसी भी तरह के उन्होंने बारे च भी जानकारी दिंदे। फर्दर अजे डिपार्टमेंटल इनक्वायरी जिहड़ी आ चल रही है, एफ आई आर दे विच अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। वो एफ आई आर सी जिहदे विच वो किसी दे ड्रग दे विच इनवॉल्व जिहड़ा बंदा सीगा उहदी दलाली कर रहा सी, बेसिकली उहनूं बचाउण दी कोशिश कर रहा सीगा। सो उस केस च करप्शन एक्ट परचा दर्ज करके उहनूं अरेस्ट किया गया है, और वह केस की जिहड़ी जांच आ जिहड़ी इनवेस्टिगेशन आ हुण विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ। ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ 3 ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।